अस्सलामुअलैकुम नाजरीन नाजरीन ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा का इंटरेस्टिंग प्रोमो ने शेयर कर देगा। प्लस आने वाले एपिसोड में आप लोग मजीद क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हो आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेश करने वाले। उस ड्रामे की फुल कंप्लीट स्टोरी वाली वीडियो आने वाली है, उस भी आप लोगों ने लाजमी से देखते जाना है। चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उम्मे आयशा ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले को फोन करेगी यहाँ पर अनुषा, जिसके बाद यहाँ पर यह पूछेगी कि यहाँ पर आयशा कैसी लग रही है यहाँ पर ऐसे तंजिया तौर पर, जिसके बाद यहाँ पर असवंत जो है वो दिल की गहराइयों से बोल पड़ेगा कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसके बाद ये जब बहुत ज्यादा गुस्से से पूछेगी कि तुम ये क्या कह रहे हो, जिसके बाद यहाँ पर ये कहना शुरू कर देगा कि यहाँ पर नहीं, मेरा मतलब था कि काफी ज्यादा वो अच्छी लग रही है। मैंने आयशा के साथ जब बहुत सारी पिक्चर्स बनाई हुई हैं यहाँ पर, जैसे ही वो आएंगे तो तुम उनसे जाओ वो देख लेना। तो शायद यहाँ पर इसमें जो है अनुषा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी और नाजरीन यहाँ पर हमें जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है जरूर से बताते जाइएगा। और आप लोग ये भी आने वाले एपिसोड में देखने वाले हो कि यहाँ पर आयशा और उसके जो है वो घर वाले सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पर ये रिश्ता होने जा रहा है, मंगनी होने जा रही है। असवंत की माँ यहाँ पर अपनी भी पिक्चर्स लेगी और इसके साथ साथ यहाँ पर असवंत की जो है आयशा के साथ पिक्चर लेगी और नजरिन यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा खुश होंगे, जिसके बाद नजरिन इसे आकर जो है स्टेज पर बिठा देंगे यहाँ पर आयशा को, जिसके बाद नजरिन यहाँ पर आ जाएगी अशर की माँ और यहाँ बात करके सब लोगों को हैरान कर देगी, मायूस कर देगी। यानी वो कहेगी कि यहाँ पर जो है वो मेरा बेटा अशर बहुत ही बड़ा दीवाना है यहाँ पर फोटोग्राफी का, यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए वो फोटोग्राफर लेकर आया और पिक्चर जो है वो खिंचवाने दे। और इसके साथ साथ यहाँ पर हिजाब में जो है वो बिल्कुल अच्छी तस्वीरें नहीं आएंगी, इसलिए आयशा को कहें कि हिजाब उतार दे। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पर आयशा की माँ को लेकर, नजरिन बहुत ज्यादा मुश्किल से ये रिश्ता हुआ। जिसके बाद यहाँ पर आयशा के पास जाएंगे और आयशा को कहेंगे आयशा बेटा तुम जो है पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर अकेले में रूम में खिंचवा लो और जिसके बाद जो तुम स्टेज पर आ जाना और वहाँ पर जो है रसमात वगैरह कर लेंगे। लेकिन नजरिन आयशा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, नागवार गुजरती है। जिसके बाद यहाँ पर वो जो है आयशा की माँ के सामने कह देगी कि नहीं यहाँ पर जो है वो आयशा मेरे लिए जो है अभी ना महरम है और इसके साथ साथ वो फोटोग्राफर भी ना महरम होगा और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जो है इन लोगों के साथ इस तरह से जो पिक्चर नहीं खिंचवाऊंगी। जिसके बाद नजरिन आयशा की माँ बोलना शुरू कर देती है, इस लड़की की तो बहुत ही लंबी जबान है। और जिसके बाद यहाँ पर वो कहेगी आयशा यहाँ से हम जो है वो चलते हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल भी इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। और यहाँ पर जो है वो यासमीन और असवंत भी जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगी ये सारी की सारी बातें सुन के। और यहाँ पर वो ये भी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करेंगे आयशा को कि यहाँ पर ये ठीक कह रही है। लेकिन नजरिन यहाँ पर वो जब जाने लगेंगे कि नहीं हम ये मंगनी नहीं करेंगे, जिसके बाद नजरिन यहाँ पर जो आयशा का बाप बोल पड़ेगा और कहेगा कि यहाँ पर मंगनी किए बगैर जो है आप इस तरह से जो है वो कैसे जा सकती हैं। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर ये रुक जाती है और यहाँ पर कहना शुरू कर देती है आयशा की माँ कि यहाँ पर ये बात तो जो है वो अपनी बेटी को समझाए ना, यहाँ पर ये सब कुछ किया धरा इसी का तो है। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर आयशा साफ तौर पर कह देगी कि यहाँ पर आपके लिए क्या, मैं किसी के लिए भी यहाँ पर यह हिजाब जो है वो कभी भी नहीं उतारूंगी। जिसको नजरिन ये बात आयशा की माँ सुनेगी और जिसके बाद नजरिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा आग गोला होगी और कहेगी कि यहाँ पर हमने यहाँ पर रिश्ता करना ही नहीं है, तो यहाँ पर चलो आशिर चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर जो है वहां से छोड़ के आशिर भी जो है वो चला जाएगा यहाँ पर काफी ज्यादा नहला। यानी नजरिन आयशा की माँ जो है उन्हें रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो लोग जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आयशा बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देगी। जवेरिया यहाँ पर आयशा को जो है वो काफी ज्यादा संभालने की कोशिश करेगी और इधर नजरिन यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत ज्यादा तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी यह सब कुछ देख के सुन के आयशा के बाप की, जिसकी वजह से नजरिन वो गिर पड़ेगा और यहाँ पर अकेले में जाके जिसके बाद एहतशाम भाग कर आएगा और यहाँ पर कहेगा चाचा चाचा आपको क्या हुआ बताए ना मुझे। जिसके बाद यहाँ पर इसकी जो है वो माँ भी आ जाएगी और कहेगी भाई साहब आपको क्या हुआ उठे ना। जिसके बाद जल्दी से यहाँ पर जो है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद नजरिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दुआएं वगैरह करेंगी यहाँ पर ये माँ बेटी है। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर जो है वो तबीयतों के बारे में जो है वो आकर पूछेगी यहाँ पर आयशा के अम्मी यहाँ पर अबू की अब तबीयत कैसी है। जिसके बाद नजरिन इसकी अम्मी जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुमने तो मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन अल्लाह ने जो है वो बचा लिया। यानी नजरिन अब उनकी तबीयत जो है वो ठीक है, स्टेबल है। लेकिन नजरिन यहाँ पर काफी ज्यादा जब सुनाना शुरू कर देती है कि माँ आयशा को, जिसके बाद आयशा कहना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है और कहती है अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। जिसके बाद नजरिन यहाँ पर आगे से इसकी माँ कहेगी कि अगर तुम जो है ये हिजाब उतार देती तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता, यहाँ पर तुमने ये बिल्कुल नहीं ठीक किया आयशा, यहाँ पर तुम्हारे बाप को भी बहुत ही बड़ा झटका लगा और यहाँ पर जो है वो तुमने ये सब कुछ जो वो बिल्कुल नहीं ठीक किया, जिसकी वजह से शायद ये कोई ना कोई हदीस वगैरह या कुछ ना कुछ सुना के अपनी माँ को जो है मुतमिन कर ले। आप लोगों को लगता है जरूर से बताते जाएगा। और इसके साथ साथ नजरिन ये जो कुछ भी हो सब कुछ जब बताया जाएगा शकील साहब को, तो नजरिन यहाँ पर वो नैला को बता रहा होगा कि यहाँ पर हाँ वो बच्ची जो है बहुत ज्यादा दिलेर हौसले वाली बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, नेक लड़की है। जिसमें यहाँ पर रिप्लाई में कहेगी कि यहाँ पर हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और यहाँ पर काश मेरी बहू भी जो है ऐसी होती। जिसके बाद नजरिन अनुषा ये जब सब कुछ सुनती है तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है, वो अपनी माँ की
तरफ घूर के देखेगी, जिसके बाद इसकी माँ इसकी तरफ देखेगी, फिर जो है वो यास्मीन की तरफ देखेगी। लेकिन यहाँ पर यास्मीन जो है वो बिल्कुल उसे नहीं पता होगा कि यहाँ पर शायद मैंने क्या कह दिया। और नाजरीन यहाँ पर असफंद भी बहुत ज़्यादा जो है वो घूरना शुरू कर देगा अपनी माँ की तरफ। सब लोग जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, जिसके बाद यहाँ पर शायद जो है यास्मीन बात को जो है वो कुछ ना किसी तरह से जो है वो पलट दे, यहाँ पर कहे कि यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कुछ भी, यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को जो है वो देखने को मिले। लेकिन नाजरीन इसके आगे भी ये जो है वो ड्रामे की स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिस्पी होने वाली है, वो किस तरह से, क्योंकि नाजरीन अब तो यहाँ पर इसकी जो है वो शादी टूट गई यहाँ पर हमारी जो है आयशा की। तो नाजरीन इसके आगे प्रेडिक्शन यही है, क्योंकि प्रोमो यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसके आगे ये देखने वाले हो कोई और रिश्ता अब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले असवंत को यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाजरीन असवंत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आयशा अच्छी लगना शुरू हो चुकी है, और आयशा को तो यहाँ पर पहले से असवंत इतना ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता था। तो नाजरीन यहाँ पर वैसे अब रिश्ते वगैरह जो है वो तो देखते रहेंगे, क्योंकि नाजरीन इतनी ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ये जो है अनुशे वाला रिश्ता जो है वो नहीं टूट सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घर की बात है, और अगर ये टूट गया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुँह बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है रिश्ते टूटेंगे, इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा आसानी से ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। लेकिन नाजरीन यहाँ पर अब आप लोग यही देखने वाले हो कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दोबारा से रिश्ते देखे जाएंगे, और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी बातें आहिस्ता आहिस्ता असवंत को लगेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो आयशा बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा नेक लड़की है, जिसकी वजह से वो जो है वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माइल होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे हम लोगों को सिनेरियो दिखाए जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक दूसरे के जो है वो करीब होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर हमें जो है वो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें सामने आती हुई दिखाई देंगे। और नाजरीन फिर से शायद हो सकता है कि आयशा का कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता आ जाए, लेकिन नाजरीन यहाँ पर अनुशा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट करने वाली है यहाँ पर यास्मीन को, जिसकी वजह से यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आती रहेगी, यहाँ पर मैं जो है वो कैसी बहू जो है वो सिलेक्ट कर बैठी हूँ, यहाँ पर जो है वो आयशा ही मेरी बहू बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अब वो जो है इतनी सदनी से जो नहीं तोड़ सकेगी, लेकिन यहाँ पर जो है इस पर जो है वो सारी की सारी डालती रहेगी, जिम्मेदारियाँ भी डालती रहेगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर वो इसे जमाती भी रहेगी, और इसके साथ साथ जब यहाँ पर वो रोक टोक करेगी, जिसकी वजह से नाजरीन हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में आना शुरू हो जाए अनुशा, और यहाँ पर जो है वो बहस करना शुरू कर दे, लड़ना झगड़ना शुरू कर दे अपनी तय जान के साथ कि यहाँ पर मैं आपका जो है बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी, इस तरह से जो है वो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो करे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर टेंशन में ले आए असवंत को, और असवंत को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाए, और यहाँ पर इन दोनों में से कोई ना कोई जो अपना रिश्ता तोड़ ले, इस तरह से हम लोगों को जो है वो सिनेरियो दिखाए जा सकते हैं। और यहाँ पर आयशा के साथ जो है वो मंगनी वगैरह इस तरह के जो है वो मामला हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है वो हम जो है वो आने वाले एपिसोड यानी इसके जो नेक्स्ट या कभी भी आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगी फुल कंप्लीट स्टोरी वाली वीडियो, उसमें हम बताएंगे कि मुझे क्या क्या लगता है, टीजर ओएसटी सब कुछ देखने के बाद ही। तो यहाँ पर आप लोग हमें बताइएगा कि ये जो मैंने जितना सा थोड़ा सा बताया है इसी तरह से होगा या नहीं होगा, यदि थोड़ी सी हमारी प्रेडिक्शन वीडियो। ओके बाय फ्रेंड्स, प्रोमो को भी एंजॉय आप लोगों ने किया होगा, सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।